जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने इसी YouTube चैनल पर, त्रिपाठी सर जी अयोध्या चैनल पर। साथियों, आप लोगों के बीच में जैसा मैंने कहा, आने वाली जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे UPPCS का हो, चाहे RO का री एग्ज़ाम हो, चाहे UPP का, चाहे SSC GD या बैंक रेलवे, जो भी आपके एग्ज़ाम है, उनमें से सबसे विशेष रखी गई है, यानी प्रायोरिटी रखी गई है, वो रखी गई है आपके, वो प्रायोरिटी रखी गई है UPPCS 2024 के विषय में, साथ ही साथ RO री एग्ज़ाम के विषय में। आप सभी साथियों का दायित्व ये है, मैंने कहा, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, चाहे अगले वर्ष के लिए ही सोच रहे हैं, तो आपको सबसे बेसिक कमांड होनी चाहिए घटनाचक्र की। आप सारे लोग देखते होंगे, जितना इंटरव्यू आप देखे होंगे कहीं, तो इंटरव्यू में सबसे मेन रहता है घटनाचक्र पूर्वावलोकन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर रहता है, उसके साथ तो अन्य किताबों की बात होती है। तो मैंने क्या कहा, हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये सेशन, और इसमें हम लोग कवर कराने का काम करेंगे, किसको, इसमें हम लोग कवर कराने का काम कर रहे थे घटनाचक्र को। साथ ही में बच रहा था आपका क्या, वो बच रहा था डेली करेंट अफेयर, और खास करके वार्षिकांक स्तर का। तो चूंकि आगामी परीक्षा आपकी जो तय हो चुकी है RO की, या फिर UPPCS की, या UPP की री एग्जाम की, उसके विषय में हम पूरा डेली करंट अफेयर कवर करने वाले हैं इसी से। और करंट अफेयर कैसा है, ये डेली का ना होकर कि ये वार्षिकांक है, करंट डेली वाला एक अलग वीडियो होगा, लेकिन ये आपका वार्षिकांक स्तर का है, यानी पूरा जनवरी से लेकर के हाल के दिनों की बात अगर करेंगे, अप्रैल वर्तमान समय में तो खैर जून चल रहा है, तब तक की हम पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षा में आपका लगभग 6 महीने तक तो बेसिक होता है, बाकी अपर का पूछ ले तो अलग बात है। आप सभी साथियों का दायित्व ये है, सभी साथियों को बताइए, और उपस्थित हो जाइए हमारे सेशन के साथ। और हाँ, आप अगर सेशन में उपस्थित हो रहे हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप साथियों तक शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास एक ही व्यवस्था है, आप हैं विद्यार्थियों के बीच में, लेकिन अपने पास कोई सेवा नहीं, अपने पास केवल इतनी सेवा है कि मैं आपको सेशन प्रोवाइड करा सकता हूं और आपको सेशन पढ़ना है। तो आपका जिम्मेदारी, थोड़ा सा जिम्मेदारी आप लीजिए, थोड़ा सा तो मैं तो लिया ही हूँ आपको कवर कराने का, ठीक बात है ना। तो ये 2024 का वार्षिकांक है, स्पीडी पब्लिकेशन की जो बुक है, आप जानते होंगे करेंट अफेयर वार्षिकांक इस तरह का जो होता है, इसके लिए बहुत सारी बुकें होती, लेकिन यहाँ हम किसकी बात करेंगे, यहाँ स्पीडी पब्लिकेशन वाली जो बुक होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए साथियों, तो बिना समय पर बात करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं वार्षिकांक को, स्पीडी पब्लिकेशन की बुक को। आप लोगों के पास, जिनके पास होगा अच्छी बात है, नहीं है तब भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपके लिए कोई समस्या होगी। हाँ, बस ये है कि कोई ना कोई बुक तो आपके पास होगी, उस बुक से ही आप कवर करिएगा। कहने का अर्थ ये, आपका एग्जाम है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं ये सोच करके कि नहीं आज नहीं कल पढ़ लेंगे, चूँकि अब तो एग्जाम आपका लगा ही हुआ है। स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए, यहाँ तमाम सारे मुख्य आकर्षण बिंदु, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, चाहे फिल्मफेयर दादा साहब फाल्के हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, भारत रत्न हो गया, साथ ही साथ और बात करेंगे अंतरिम बजट 2024 की, केंद्रीय सूचकांक की बात, विभिन्न सूचकांक की बात कर रहा है, रिपोर्ट की बात कर रहा है, केंद्र राज्य योजनाओं की, सैन्य अभ्यास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन, यानी यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। तो लगभग ये सारे कंटेंट आपको दिया हुआ है, इसमें सारे टॉपिक में आपको चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ कंटेंट में और आते हैं तो पहले में आप देखेंगे लगभग कितने चैप्टर्स हैं, लगभग इसमें आप कहेंगे तो इसमें लगभग 35 चैप्टर या 34 चैप्टर कुल मिलाकर दिए गए हैं, और उसके बाद में करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी संग्रह वन लाइनर में दिया गया, उसके बाद आपका करंट अफेयर वस्तुनिष्ठ यानी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं आज। अगर पहले दिन आप पढ़ने जा रहे हैं, सुबह 9 बजे से अगर ये सेशन देखने जा रहे हैं, तो मैंने कहा अगले दिन आप जब आइएगा तो 9 के बाद दूसरे दिन भी 9 होगा, तीसरे दिन भी 9 होगा। हाँ, और दूसरी बात, पहले दिन अगर कौन कहाँ क्या पढ़ रहे हैं, तो दूसरे दिन आप नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऐसे ऐसे करके आप एक श्रेणी में चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक बात है ना। स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। देखिए, पहला जो चैप्टर इसमें था वो है कौन कहाँ क्या। इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ें बहुत अपडेटेड होती हैं। कहने का अर्थ ये होता है, अपडेटेड का अर्थ होता है एग्जाम के जस्ट पहले वाली भूमिका, तो उसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी देख रहे हैं लोकसभा ही गठित हुई है, नई गठित होने जा रही, 9 तारीख को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री, तो इसके बाद तमाम चीज़ें आपकी बदलेंगी, तमाम पदाधिकारी आपके बदलेंगे, तो मैंने कहा उसको नहीं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करते हैं हम, हमारे साथ आप चीज़ों को कवर करने का काम करिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए महती भूमिका हो पाए। कई नए विद्यार्थी कल वाले सेशन से जुड़े, कई नए विद्यार्थियों का कमेंट आया, मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप नियमित होइए आपके एग्जाम के लिए पूरा मोटिवेट होकर, और हाँ, पूरा डेडिकेटेड तरीके से चीज़ों को कवर कराया जाएगा, लगातार आ जाइए हमारे साथ। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले कुछ स्टैटिक GK में चीज़ें मिल जाती हैं, उसके विषय में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है उपकरण और संबंधित देश और वो क्या है। कई बार एग्जाम में स्टैटिक GK में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्रम में आपको ये हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, एक नाम दिया गया है, कह रहा है हेलिना नाम का एक प्रकार का टैंक रोधी मिसाइल है जो कि भारत में विकास किया गया है। आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाता है,
हेली राग क्या है? तो एक टैंक रेती मुद्योधी मिसाइल है, विकसित किसके द्वारा? भारत के द्वारा। चिनूक क्या है? तो हेलीकॉप्टर है, अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा। बराक 8 ये DRDO और इजराइल दोनों ने मिलकर बनाया है, ये एक प्रकार की मिसाइल है जो कि सरफेस टू एयर की बात करती है। INS वेला तो फ्रांस ने बनाया, तैयार किया, एक प्रकार की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। कुछ दिन पहले आपने सुना था स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, यानी एक प्रकार की आधुनिकतम तकनीकी से सुसज्जित ये आपकी बनी हुई पनडुब्बियाँ होती हैं, तो उसी में आप INS वेला का नाम सुन रहे हैं, ठीक बात है। अच्छा, अगले पे जो कि फ्रांस से निर्मित हो रही है। अगला रफाल नाम का एक तो फ्रांस से लिया गया लड़ाकू विमान है, याद होगा रफाल विवाद भी मोदी सरकार में आपको सुनाई पड़ा था, काफ़ी दिन तक राहुल गांधी इसका नाम ले रहे थे। तो राफेल जो था ये फ्रांस द्वारा, एक कंपनी है जिसका नाम है दसाल्ट एविएशन, उसके द्वारा एक लड़ाकू विमान तैयार किया गया। जबकि S-400 की बात करें तो ये रूस के द्वारा निर्मित किया गया है, एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे आयरन डोम इजराइल पढ़ते हैं वैसे ही ये रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400। बात करें आगे पिनाक की, तो पिनाक एक रॉकेट है जो कि भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। भाई पिनाक आप जान भी रहे हैं, पिनाक धनुष, अब आपको कमेंट सेक्शन मिल रहा है पिनाक किसका धनुष था। INS कलवरी की बात करें साथियों, तो ये एक स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की ये भी पनडुब्बी हो रही है, यही INS वेला, वाक्सीर, INS कलवरी, इन्हीं श्रेणी में आपका ये नाम मिलता है, तो ध्यान करे रहिएगा। जबकि अपाचे की बात करें तो ये अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया एक प्रकार का हेलीकॉप्टर। अब देखिए यहाँ से मैं बताऊँ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से चाहे ये पूछ ले आपसे कि बताइए भाई हेलिना जो है, पूछ लेगा आपसे कि हेलिना इसका निर्माण यानी ये किसके द्वारा विकसित है, तो आपने कहा भारत, चिनूक तो आप कहेंगे अमेरिकी कंपनी बोइंग, या आपसे कहेगा बराक 8 किसके द्वारा, तो DRDO और इजराइल के द्वारा। आपसे कह देगा INS वेला, तो आप कहिएगा फ्रांस के द्वारा। फिर आपसे कह सकता है S-400 किसके द्वारा, तो रूस के द्वारा। फिर आपसे कह सकता है पिनाक किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा। उसी में अगर और बात करें तो याद करे रहिएगा, आपसे पूछ सकता है INS कलवरी, तो भाई फ्रांस की तकनीकी है, भारत में विकसित हो रहा है। जबकि दूसरी बात करें अपाचे, तो ये अपाचे अमेरिका में। अब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ सकता है INS वेला जो फ्रांस के द्वारा निर्मित है वो क्या है, ऑप्शन में आपको दे सकता है पनडुब्बी या फिर मिसाइल या फिर हेलीकॉप्टर, तो आप कहेंगे सर पनडुब्बी है। इसी तरह से आप इसको जानते रहिएगा, मैंने कहा है अभी के क्रम में केवल आप इसको देखते चलिए, जब क्वेश्चन आंसर की बारी आएगी तो आपको सारी चीज़ें तैयार होने वाली हैं। नेक्स्ट कंटेंट पर आते हैं, यहाँ कुछ चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं जो कि घटना चक्र पूर्वावलोकन वाली बुक में दिया गया है उसके क्रम में हम लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं। लिखा हुआ है इसमें एक महिला का नाम, इनका नाम था इनका नाम है प्रीति रजक, ये चर्चित रही है एक वर्ष में यानी 2023 में। तो इनके विषय में लिखा है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो हो गई इन्हीं का नाम क्या है, प्रीति रजक। बात करते हैं ऋतु बहारी की, तो उत्तराखंड की हाईकोर्ट है वहाँ पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो रही, कौन, ऋतु बहारी का नाम याद कर लीजिएगा, जो कि संबंधित कहाँ से हैं, तो ये संबंधित हैं आपकी उत्तराखंड हाईकोर्ट से मुख्य न्यायाधीश। नीना सिंह की बात करें तो CISF जो संस्था, याद होगा दो दिन पहले CISF की एक जवान ने चेन्नई एयरपोर्ट पर कंगना रनौत जो सांसद बनी है नई हिमाचल प्रदेश के मंडी से, उनके विषय में उनको थप्पड़ जड़ दिया, तो वही CISF है जो कि भारत का एक अर्धसैन्य बल है। तो आप SSC GD का अगर तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी ये पाएंगे तो आप इसमें पहुंचेंगे, यानी अगर अच्छा रैंक आता है आपका तो आप सबसे पहली वाली अर्धसैन्य बल में आपका CISF माना जाता है, औद्योगिक सुरक्षा बल। तो ये नीना सिंह इसकी पहली महिला महानिदेशक हुई। बात करते हैं अक्षता कृष्णमूर्ति की, तो ये मंगल ग्रह पर रोवर संचालित जो हो रहा है और उसको करने वाली पहली भारतीय महिला हो रही, कौन, अक्षता कृष्णमूर्ति। बात करें अगले पे मनीषा पाढ़ी नाम की जो महिला है, ये ADC एक पद होता है दो सेना में, तो भारत की पहली महिला ADC हो रही, इनका नाम क्या है, मनीषा पाढ़ी। अगले पे आते हैं साथियों, लिखा हुआ है एक नाम है इनका, नाम लिखा हुआ है कि फातिमा, यहाँ लिखा हुआ है नाम, लिखा हुआ है कि ये महिला जो है, एक सेकंड भाई, चलिए तो यहाँ क्या नाम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये फातिमा वशीम नाम की जो महिला है, ये आप देखिए होंगे लद्दाख में जो सियाचिन नाम का जो जगह है यहाँ पर एक ऑपरेशनल पोस्ट जो स्टार्ट हो रहा है आपका, वहीं पर तैनात की गई पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, यानी इससे पहले कोई ऐसा नहीं था जो ऐसा चिकित्सा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, मैंने कहा ये सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान कर रहिएगा, आपके लिए जरूरी हो सकता है, ठीक है ना। अगले पे बात करते हैं, देखिए यहाँ एक नाम लिखा है गीतिका कौल का। अब देखिए ये भी गीतिका, देखिए दोनों नाम, आप चाहे फातिमा वसीम का मिले और चाहे आपको गीतिका कौल के मिले, तो दोनों के विषय में आप गए कि ये सियाचिन में तैनात हो रही हैं। अब क्या है, यहाँ लिखा है पहली महिला चिकित्सा अधिकारी,
ये हो रही हैं आपकी कैसे ऑपरेशनल पोर्ट पर। और यहाँ दूसरा नाम आपका लिया है कि ये भी पहला महिला चिकित्सा अधिकारी हो रही है, इनका नाम है कैप्टन गीता कौल। तो ये दोनों नाम याद करे रहिएगा, कैप्टन गीता कौल का और फातिमा वसीम का भी। ठीक है, अगले पे आते हैं। अब उड़ीसा जो है वहाँ की विधानसभा जो है उसी विधान, अभी हाल में आपको याद होगा चार राज्यों में विधानसभा चुनाव, जिसमें उड़ीसा का भी नाम याद होगा आपको कि आया था। ठीक है ना, तो वहाँ की पहली महिला अध्यक्ष बनी उड़ीसा विधानसभा की पिछली बार, उनका नाम था प्रमिला मलिक। अब ये पिछली बार का कंटेंट है, क्योंकि अब नई विधानसभा गठित होने जा रही है इलेक्शन के बाद, वहाँ पर राज्य में चुनाव में विधानसभा के बाद, तो आप याद करे रहिए, यहाँ देखे रहिए, बाकी आगे जोड़ते रहिएगा। अगला नाम लिखा है, एक और नाम लिखा है एक महिला का, इनका नाम है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा नाम की जो महिला हैं ये वीरता पदक पा रही हैं, और वीरता पदक पाने वाली पहली महिला वायुसेना, यानी इससे पहले वायुसेना की कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसको ये पदक मिला था। बात करें एक महिला जिनका नाम था गीतिका राणा, ये भी लद्दाख में सेना में क्या बन रही हैं, महिला अफसर। तो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हो रही हैं, इनका नाम है गीतिका राणा। बात करें लॉस नायस मंजू की, लॉस नायस नायक मंजू की, तो ये भी भारतीय सेना में क्या हो रही, पहली महिला स्काई डाइवर। स्काई डाइवर याद होगा आपको, एक प्रकार की तकनीकी है, स्काई डाइविंग आप देखेंगे तो पहाड़ों पे मुझे लगता है, या पर्वतों पे बर्फबारी में, तो वहाँ पर एक सरकने वाली एक तरीका होता है, तो स्काई डाइवर उसी को कहा जाता है। आप गूगल करिएगा तो आपको फिगर उसका मिल जाएगा। बात करते हैं अगले की, एक महिला इनका नाम है अलका मित्तल। कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, अलका मित्तल वाला नहीं पूछा गया होगा, तो आपके जो पिछली परीक्षाओं में कई लोग दिए होंगे परीक्षा, उनसे आप चर्चा करिएगा तो वो बताएंगे आपको कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। ONGC भारत में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अलका मित्तल, जबकि PT उषा भारत में जो वर्तमान समय में ओलंपिक संघ है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इनका नाम है PT उषा। बात करें एक और, भारत का एक खेल का संघ है जिसका नाम है भारतीय टेबल टेबल सैनी संघ, उसी की अध्यक्ष बनी थी पहली महिला, उनका नाम था मेघना अहलावत, जबकि माधवीपुरी बुद्ध जो हैं वो SEBI की पहली महिला अध्यक्ष हो रही थी। बात करें अगली, बात करें शिवांगी सिंह की, तो ये पहली महिला फाइटर पायलट हो रही थी, किसकी, तो ये हो रही थी भारत की सेना की। ठीक बात है ना, अगले भी बात करते हैं। आगे लिखा है ज्योति शर्मा के विषय में, कि ज्योति शर्मा नाम की जो महिला हैं ये पहली सेना की पहली महिला जज हो रही हैं, जबकि आयशा अजीज, कई बार ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, आयशा अजीज सबसे युवा महिला पायलट हुई थी, आयशा अजीज का नाम याद करिएगा, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंध रखती थी। अगले पे आते हैं, यहाँ नाम लिखा है शिवांगी जोशी का, कह रहा सर शिवांगी जोशी तो ये नौसेना से संबंधित हैं, पहली महिला पायलट। मैंने फिर कहा आपसे, आपका दायित्व क्या है, आपके पास अगर करेंट अफेयर वार्षिकांक की कोई ना बुक होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो ले लीजिएगा, समझ रहे हैं, अगर नहीं है तो ले लीजिए, होगी तो अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम में वार्षिकांक का होना, क्योंकि होगी तभी आप उसको रिविजन कर पाएंगे, और रिविजन कर पाएंगे तभी आपकी चीज़ें तैयार हो पाएंगी। बात करते हैं अगली, इंदु मल्होत्रा की, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जज बन रही हैं और ऐसी होने वाली पहली महिला वकील। अभी सुप्रीम कोर्ट में अपने कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ है, तो आप ध्यान करे रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जज बन रही हैं पहली महिला वकील, इनका नाम था इंदु मल्होत्रा। अगले पे आते हैं, यहाँ कई नाम, अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ चर्चित महिलाएं हैं, इनके विषय में भी आप इनका नाम याद करे रहिएगा। जैसे यहाँ एक नाम दिया गया है, पहला नाम कह रहा है कि ये सेलेस्ट सैलो, यानी सेलेस्ट सैलो नाम की जो महिला हैं ये संबंधित हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसकी पहली महिला महासचिव हो रही, इनका नाम है सेलेस्टे सैलो। ठीक है, अगले पे बात करते हैं। यहाँ पर अगला इसके बाद जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नाम किसका, सेलेस्टो सोलो के बाद लिखा है मैनुअल रोका बोटे। अब ये मैनुअल रोका बोटे क्या हैं, तो ये बन रही हैं, एक देश आपको मिलेगा गिनी, गिनी किस महाद्वीप में है ये भी आपको कमेंट सेक्शन, मैंने कहा ये जो छोटी छोटी बातें हैं आप कमेंट सेक्शन में जब लिखते रहेंगे तो आपका अभ्यास ये होता रहेगा, आपको लगेगा कहाँ चीज़ें का आप अब टेस्ट भी देते चल रहे हैं ना, तो मैंने कहा इक्वेटोरियल गिनी या ये जो दिखा है देश ये किस महाद्वीप का देश है, वही की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी उनका नाम है मैनुअल रोको बोटे। मैंने कहा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, चाहे IAS स्तर का एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेंगे तो करेंट में बेसिक के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जबकि डीना बारडोला की बात करें तो ये पेरू के विषय में आप लोग जानते हैं जिसकी राजधानी का नाम है लीमा। अब दूसरा देश आपको मिल रहा है पेरू, आपको इसके विषय में बताना है कि किस महाद्वीप का देश है, यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी उनका नाम है डीना बोलवाड। जॉर्जिया मेलोनी के विषय में कहें तो ये इटली देश की हैं, इटली महाद्वीप भी आपको बताना है, वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री। रियाना बर्नाबी तो ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो रही हैं, इनका नाम है रियाना बर्नाबी।
आपको बताना है सऊदी अरब किस महाद्वीप में स्थित है। अगला है सना रामचंद्र गुरबानी का नाम, तो ये पाकिस्तान की थी और पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर हो रही, इनका नाम है सना रामचंद्र गुरबानी। बात आगे आते हैं आयशा मलिक का नाम, यही पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो रही, इनका नाम क्या है आयशा मलिक। जबकि नताशा पर्क मुक्सर नाम की जो महिला हैं, ये एक देश है जिसका नाम है स्लोवेनिया, वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति हो रही, उनका नाम है नताशा पर्क मुशर। अब स्लोवेनिया आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि स्लोवेनिया जो है वहाँ के वर्तमान समय में स्लोवेनिया किस महाद्वीप में स्थित देश है। अगले भी बात करते हैं, अगले भी लिखा है गोपी गीता गोपीनाथन का नाम, तो ये गीता गोपीनाथन नाम की, देखिए एक नाम और लिखा है गीता गोपीनाथन, तो ये भारत के संबंधित हैं। IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक यानी कि वाइस MD या उप प्रबंध निदेशक हो रही हैं, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। जबकि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हो रही हैं एक महिला, इनका नाम क्या है मैगडेलना एंडरसन। खूब पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे गीता गोपीनाथ का हो गया, चाहे नताशा पर्क मुशर का हो गया, चाहे आयशा मलिक का, चाहे सना रामचंद्र गुरबानी का। ठीक बात है ना, मैंने कहा प्रीवियस ईयर आप देखिएगा तो खुद ही आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला लॉरेल हर्बर्ट का नाम, तो लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक में जा रही हैं, हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हो रही हैं, महिला पहली ट्रांसजेंडर जो कि ओलंपिक खेलों में, याद होगा आपको इससे पहले जो ओलंपिक खेल हुआ था शामिल हुई थी उसमें। बात करते हैं अगले की, लॉरेल हर्बर्ट के बाद प्रियंका राधा कृष्णन का नाम, ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हो रही हैं, जबकि मनीषा रोपेटा ये पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी हो रही पाकिस्तान में। नौरा अल मतरूशी जो हैं ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, वहीं सामिया सुलू हसन जो हैं ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हो रही हैं। अब आप सोचिए इतनी देर में आपने क्या किया, विश्व की जो प्रभावशाली महिलाएं हैं, भारत की जो चर्चित महिलाएं हैं, इनके विषय में आपने कवर किया। मैंने कहा ये सारे ऐसे टॉपिक हैं या ऐसे कंटेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जरूर जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए साथियों ज़रूरी हो सकते हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच में इसकी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। आते हैं अगले पे, इसके बाद में हम लोग अगर बढ़ेंगे तो देखिए कुछ देश है और देश की राजधानियाँ। अभी देखिए सारी चीज़ें एक बार में नहीं हो सकती हैं, यानी अगर मैं देश राजधानी राष्ट्रीय मुद्रा और साथ ही साथ में किस महाद्वीप में ये सब करूँगा तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ ये है GK में या आप कहेंगे करेंट में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि देश राजधानियाँ राष्ट्रीय मुद्रा, ये आपको UPP के एग्जाम में भी मिलने वाला है। अच्छा RO-YARO में भी ऐसे में RO-YARO में तो बहुत मिलता है PCS में, वहाँ पर आपको कूट में दे देता है, एक साथ कई दे देगा और पूछेगा उनकी राजधानियाँ कौन सी असंगत हैं या मिलान करने को दे देगा या कह दिया कौन सा सही है, ऐसे ऐसे करके। आगे बात करें साथियों, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए बात करें आगे, एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी हो रही वियना। तुर्कमेनिस्तान एक देश है, तो आपको पता है कौन सी राजधानी है इसकी, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। जबकि लुआंडा एक देश राजधानी है कहाँ की, अंगोला नाम का जो देश है वहाँ की। चेक गणराज्य जो है इसकी राजधानी का नाम है पराग्वे। डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। ग्रेनेडा डोमिनिका की राजधानी है सेंट जॉर्ज। वहीं फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। मैंने कहा साथियों अभी इस सेशन के साथ अपने साथ वर्ल्ड मैप आप ओपन करके बैठिएगा, या आप ये सेशन कवर होने के बाद वर्ल्ड मैप, जैसे आप मान लीजिए अभी नहीं देख पा रहे तो बाद में इन सारे देशों को आपको देखना है मैप पे। क्यों? क्योंकि देश और किस महाद्वीप में ही आपको तब तक नहीं याद होगा जब तक कि आप वर्ल्ड मैप पे अपनी स्थिति नहीं बनाए रहेंगे, पकड़ नहीं बनाए रहेंगे। ठीक बात है ना, तो मैंने कहा लापरवाही मत करिएगा। क्यों? अगर मेरे उपस्थित होने के बाद भी अगर आप लापरवाही करें तो ये आपके लिए गलत बात है, समझ रहे हैं ना, गंदी बात है, जान जाइए। अगले पे आते हैं, यहाँ लिखा है एक नाम जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। अब आप सोचिए उज्बेकिस्तान भारत के ही पड़ोस में मिल रहा है और ताशकंद इसकी राजधानी है, जबकि बरुंडी एक देश है जिसकी राजधानी का नाम है गिटेका और बुजुम्बरा। गिनी बिसाऊ एक देश जिसकी राजधानी का नाम है बिसाऊ। मुंजाबी की राजधानी मोटपुटो। बेल्जियम आप सारे लोग जानते होंगे, बेल्जियम की राजधानी हो रही है ब्रुसेल्स, यानी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आप पहुंच रहे हैं, वहाँ की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। एंटीगुआ बारबुडा भी वहीं मिलेगा जिसकी राजधानी का नाम क्या है, सेंट जोन्स। वहीं इथियोपिया आपको मिलेगा, उसकी राजधानी का नाम है अदिस अबाबा। ये अफ्रीकी देश इथियोपिया है, उसकी राजधानी का नाम है अदिस अबाबा। ताजिकिस्तान एशिया में आप आ गए, कैरास और ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। इटली की राजधानी रोम। लेसेथो की राजधानी मासेरू। कोस्टोरिका की सेंट जोन्स। मंगोलिया आपका जो चीन के बगल में आप ऊपर में देखेंगे या चीन के बगल पश्चिम में आपको देखेंगे मंगोलिया, तो मंगोलिया की राजधानी है उलानबटोर। वहीं श्रीलंका की राजधानी श्री विजयवर्धन कोटम कोटे राजधानी हो रही है श्रीलंका की। जबकि
ऑस्ट्रेलिया जो आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप का देश ऑस्ट्रेलिया, उसकी राजधानी का नाम है कैनबरा, जबकि कांगो जो अफ्रीकी महाद्वीप का देश है उसकी राजधानी का नाम है किसानसा। फिर मैं कह रहा हूँ मैप ओपन रखिए अपने साथ में, या इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद में वर्ल्ड एटलस में इन सारे देशों को आप ढूंढिए, उनको पेंसिल से टिक लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर आज आपको पहले दिन ये मिला हुआ है तो दूसरे दिन अगर मिले तो आपसे वो गलती ना हो। ये कब हो पाएगा? जब उसी पे आप टिक लगाए रहेंगे, टिक लगाए रहेंगे तो आज के बाद जब दोबारा फिर देखेंगे, तिबारा फिर देखेंगे तो आप देखिएगा ये चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी, ताकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो विश्वास है मुझे ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। आगे आते हैं, गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन, जमैका की किंगस्टन, लिंचेस्टाइन याद कर रहिएगा, लिंचेस्टाइन आपको यूरोप महाद्वीप में ही मिलेगा जिसकी राजधानी का नाम है वादूज, जबकि त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी मिलेगा पोर्ट ऑफ स्पेन। और आगे आए, बोलिविया एक देश है जिसकी राजधानी का नाम है लापेज, वहीं निकारागुआ जो है उसकी राजधानी का नाम है मानागुआ, ठीक है ना। आगे हम लोग राष्ट्रीय मुद्राएं भी पढ़ेंगे इसके विषय में और तमाम चीज़ें भी, लेकिन यहाँ बेसिक में चूंकि यहाँ राजदूत का नाम दे रहा था तो हम लोग यहाँ केवल राजधानी और देश का नाम जान रहे हैं। बर्किना फासो एक देश है उसकी राजधानी का नाम है ओगाडोगू, सीरिया की राजधानी का नाम है दमिश्क, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का नाम है प्रिटोरिया, साओ टॉम और प्रिंसिप का राजधानी का नाम है साओ टॉम, घाना की राजधानी का नाम है अकरा, वेनिसियस राजधानी है लिथुआनिया की, और इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है मलाबो। नेक्स्ट भी आते हैं, यहाँ पे लिखा है वेनेजुएला एक देश, वेनेजुएला याद होगा आपको, वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस, ध्यान है आपको, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। अस्ताना देखिए भारत में पड़ोस में ही पाकिस्तान के पश्चिम में, भूस्थलावरुद्ध देश जिसका नाम है कजाकिस्तान, जबकि लेबनान की राजधानी बेरूत और पनामा की राजधानी पनामा सिटी। अब आप देखिए इतनी देर में लगभग मैंने, हम लोगों ने 25-30 देशों की राजधानियां पढ़ी, इस क्रम में मैंने कहा अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप इसे वर्ड मैप पे टिक करके चलिएगा, अगर नहीं टिक कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा, वो भी नहीं हो सकता है आप तो इसको नोट ही कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये नाम मिले हैं, आप देखिएगा एग्जाम में कई गलती ऐसी होती है जो आता नहीं है, लेकिन जो सबसे झंझटी वाली गलती होती है वो होता है कि आपको आता है लेकिन कन्फ्यूजन में चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, यानी उस समय याद नहीं आ रहा। तो उस समय याद नहीं आ रहा उसका कारण यही है कि लास्ट टाइम पे यानी पेपर के अंतिम दिनों में आपने उसका रिवीजन नहीं किया है, ठीक बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे कुछ और नाम, जैसे यहाँ अब 75वां गणतंत्र दिवस याद होगा आपको, वर्ष 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, यानी कि कब, तो गणतंत्र दिवस मनाया गया आपका, भाई जाहिर सी बात पहले आपको जाना चाहिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कब, तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। और आपको याद होगा इसमें कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता है, और इन्हीं चीफ गेस्ट के आने की जो भूमिका है कि अब की बार जो आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या पता पूछ ही ले, क्योंकि हर बार लगभग एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लेता है कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं उस वर्ष का, या फिर स्टैटिक जीके में कोई और सा पूछ ले आपसे। अगली बात, अब इसमें सबसे ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा की झांकी थी जिसमें विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, यानी इसकी ये थीम थी। भाई आप देखे होंगे जो गणतंत्र दिवस यानी समारोह जो होता है उसमें हर राज्य की अपनी अपनी झांकियां होती हैं, उस पर एक अपनी अपनी उसकी थीम लिखी होती है, तो यहाँ वाली को ही पहले स्थान पर रखा गया था उड़ीसा वाले को। बात करते हैं आगे की, यानी इसके संबंध में एक मंत्रालय को भी सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया, यानी दो को दिया जाता है, राज्यों को भी दिया जाता है और साथ ही साथ किसी एक मंत्रालय या विभाग को भी दिया जाता है। तो भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसको दिया गया क्योंकि उसका विषय जो था भारत जो कि लोकतंत्र की जननी। अब आप सोचिए यहाँ आपको एक कंटेंट मिल रहा है कैसा कि सर 75वां गणतंत्र दिवस समारोह जो कि 2024 में मनाया गया, साथ ही साथ इसमें मुख्य अतिथि कौन हुए, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य के रूप में कौन हुई, सरकारी विभागों के रूप में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी हुई, यानी ये सारी चीज़ें आप कवर कर पाए हैं इतनी ही देर में। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, और कुछ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में इसका नाम मिलता है जो अभी आप देखने वाले हैं। नाम लिखा है किसका, नाम यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको कई देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले, तो उसी क्रम में आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको ये सब पता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाएंगे आने वाले एग्जाम में। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एक देश है जिसका नाम है पलाऊ, कुछ दिन पहले 2023 में पलाऊ का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, तो आपसे कह सकता है
एबाकल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये अवार्ड किस देश के द्वारा, तो पलाऊ के द्वारा, या ये कह सकता है चूंकि इसमें नाम दिया है पलाऊ का तो इसको ऐसे कह सकता है कि बताइए हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला, तो आपको दे देगा पलाऊ का, दूसरा दे देगा पाकिस्तान का, तो आप देख के ही बता देंगे सर पलाऊ का हो जाएगा ना। अगले पे आते हैं, इसके बाद एक नाम लिखा है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023, यानी आपने कहा एक नाम पलाऊ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आपने कहा सर फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आपने कहा देखिए तो फिजी वाले में भी फिजी लिखा हुआ है ना, लेकिन एक अवार्ड आपको मिला है जिसका इसमें लिखा है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो हु। अब लोगो हु कह रहा है तो ये किसी देश का नाम तो है नहीं, तो इसका मतलब है आप जाने रहिएगा ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक बात ना। आगे बात करते हैं, जो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हुआ 2023 में, वो दिया गया, उसका नाम रखा था ऑर्डर ऑफ नाइल, याद करे रहिए। जबकि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑर्डर 2023। ठीक बात है ना। मैंने क्या कहा, यहाँ आपको जो याद करना है सबसे विशेष, एक तो आपका पापुआ न्यू गिनी का, एक मिस्र का, एक फ्रांस का, और लास्ट में आपको मिलेगा ग्रीस वाला, यानी ग्रीस के विषय में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023। कहने का अर्थ हो गया ये सारे पुरस्कार 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, और आप जान रहे हैं कि इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये हमारे एग्जाम के लिए कितने ज़रूरी हैं। ठीक बात है ना, हर तरह से। तो ये आप जाने रहिएगा इसका उत्तर, मतलब इसको आप लोग रिविजन करते रहिएगा। हाँ, अपने YouTube के जब कम्युनिटी टैब है तो उस कम्युनिटी टैब में वहाँ पर, और साथ ही साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इससे जुड़ी हुई आपको एक क्विज कराई जाएगी और कराई जाती है, क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, तो वो आज भी आपका होगा। आपका जिम्मेदारी ये है कि आपको क्या करना है, आपको अपने टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी सर जी अयोध्या, और दूसरी बात में अपने यूट्यूब चैनल जो इसका कम्युनिटी टैब है, आपको उसमें लगातार जुड़े रहना है। आपके लिए सेशन से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या कोई अपडेट्स होगी वो सारा आपके बीच में कराए जाने का काम किया जाएगा। ठीक बात है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके बाद डिक्शनरी, याद होगा आपको कई बार पूछ लेता है डिक्शनरियां जो विश्व की हैं तमाम मेन पूछता है, उनके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, कई बार पूछा गया 2021 वाला, कई बार आपने देखा होगा 22 वाला पूछा गया था, अब 23 पे आप देख रहे हैं कि 23 की बात करें सर तो ऑक्सफोर्ड ने क्या किया, रिज नाम का जो शब्द है उसको दिया क्या वर्ड ऑफ द ईयर, जबकि मैरियम वेबस्टर नाम की जो डिक्शनरी है उसने ऑथेंटिक को दिया क्या, इसको कहा वर्ड ऑफ द ईयर। बात करें कैम्ब्रिज डिक्शनरी की तो उसने हॉलिसिनिएट का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, वहीं कोलिंस डिक्शनरी जो है उसने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया सर वो क्या नाम से वर्ड ऑफ द ईयर, वहीं dictionary.com जो है वो भी हॉलिसिनिएट को। अब आप देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ऑक्सफोर्ड वाला, वो आपको कैम्ब्रिज वाला, वो मैरियम वेबस्टर वाला, वो आपका कोलिंस वाला, याद करे रहिएगा। रिज है, ऑथेंटिक है, हॉलिसिनिएट है और AI। अब देखिए पहली बार में ही आपको तो सारा याद हो नहीं जाएगा, पहली बार में आपको कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन जब आप देखते रहेंगे कि ऑक्सफोर्ड तो वहाँ पे ही रिज कहना है, मैरियम वेबस्टर तो वहीं पर आपको ऑथेंटिक कहना है, कैम्ब्रिज तो वहीं पर आपको हॉलिसिनिएट कहना है, और कोलिंस तो वहीं पे आपको AI कहना है। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार, दो बार, तीन बार जब आप देखेंगे तो जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा तब तक आपको चीज़ें याद हो गए। देखिए सीधी सीधी बात, मैं चाहूँ तो आपको ये सेशन ना कराऊँ, लेकिन मेन अपना ये है कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको सिलेबस का ज्ञान हो जाएगा, बेसिक करंट अफेयर, बेसिक GS यानी बेसिक कंटेंट जो होंगे आपके सब्जेक्ट को रिलेट करके वो सारे आपके तैयार हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, इसरो के कुछ वर्ष 2022-23 में मिशन हुए थे, जैसे कि यहाँ कई नाम दे रहा है आप समझते चलिएगा। यहाँ लिखा हुआ है इनसैट के विषय में कि सर इनसैट 3DS जो है इसका प्रेक्षण 17 फरवरी 2024 को किया गया, यानी किस यान के द्वारा, तो GSLV-F14 के द्वारा। XPOSAT जो मिशन है इसको 1 जनवरी 2024 को PSLV-C58 के द्वारा। मैंने कहा, आपने कमेंट सेक्शन में लिखा सर आप UPSC की तैयारी करते हैं अपने अपने आप को, आपने कहा सर PCS की तैयारी कर रही हैं आप या कर रहे हैं, अगर आपने कहा कि अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचिए आपके लिए उतनी ही जिम्मेदारी हो जाती है इसके विषय में। ठीक बात है ना। तो जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि आपको उतना ही मैच्योर मान लिया जाता है ना, कि आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए पढ़ने के विषय में, तो आपको चीज़ें उबाऊ नहीं लगनी चाहिए और ना ही आपको 5 मिनट देखने के बाद वीडियो छोड़ के
हटना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप उस तैयारी में हैं जो छोटा लक्ष्य नहीं है, वो लंबा लक्ष्य है, लंबी लंबी दूरी का आप घोड़े बनने जा रहे हैं आप, तब आपको थोड़े में आपको डर के भागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक बात है ना। तो मैंने क्या कहा, अपने आप को आपको स्वयं प्रेरित करना है। अगला, अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट गगनयान के विषय में कह रहा है, गगनयान का जो पहला परीक्षण होने जा रहा है वो 21 अक्टूबर 2023 को हुआ TV D1 के द्वारा, एक प्रकार का यान था ये प्रक्षेपण यान। जबकि बात करते हैं आदित्य एलवन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया और साथ ही साथ में इसमें लिखा है PSLV C57 के द्वारा। आगे बात करते हैं, यहाँ लिखा है एक नाम और इसमें विशेष लिखा है DS SAR के विषय में, तो ये मिशन 30 जुलाई 2023 को PSLV C56 के द्वारा। अब देखिए आप समझते रहिए कि कौन कौन सा मेन है, जैसे आदित्य एलवन मेन हो गया, चंद्रयान 3 मेन हो गया, और वन वेव इंडिया 1 हो गया आपका, वन वेव इंडिया 2 हो गया, ध्यान करे रहिएगा। तो मैंने क्या कहा, आप समझिए चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, 14 जुलाई 2023 को। बात करते हैं किस यान के द्वारा, तो LVM3 M4 के द्वारा, जबकि आदित्य 11 किसके द्वारा, PSLV C57 के द्वारा। वन वेव इंडिया 2 तो किसके द्वारा, ये 26 मार्च 2023 को लॉन्च हुआ LVM3 M3 के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ बात करेंगे इंडिया वन की, तो वन वेव की, तो ये LVM3 M2 के द्वारा। मैंने कहा इसका अर्थ ये नहीं है कि बीच के सारे बेकार हैं, आपके एग्जाम के लिए सारे जरूरी हैं, लेकिन कुछ मेन है जैसे गगनयान हो गया, आदित्य 11 हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, इनको तो आप याद करे ही रहिए, ठीक बात है ना। अगले बात करते हैं इसरो जो है वो उसके कुछ आगामी प्रोग्राम है इसरो के, जैसे इसरो हाल ही जो भविष्य में आयोजित करेगा 2024 में करने जा रहा है, जैसे कि वो गगनयान 1 और 2 आयोजित करेगा दोनों, जो कि भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। शुक्रयान लॉन्च करेगा इसरो 2024 में पहला, जो कि शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पहला मिशन रहेगा। बात करेगा मंगलयान 2 की, तो ये 2024 में लॉन्च होगा, मंगल ग्रह का हेतु दूसरा, भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन, यानी आप कहेंगे ये दूसरा मिशन मंगलयान के मंगल की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। जबकि निसार की बात करें तो ये 2024 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन करेगा। अब कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया इसके पहले आपने पढ़ा कि जो मिशन इसरो ने लॉन्च किया, जबकि 2024 जो आगे वाला है ये सारा, ये 2024 में लॉन्च होगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, ये जो इसरो है मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये इसरो भारत की कैसी संस्था है, यही इसरो जो है ये भारत की, आप कहेंगे तो भारत में अंतरिक्ष में जाने वाली, भारत में यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम क्या है, इसरो है। जैसे अमेरिका की नासा पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर भारत की आप पढ़ेंगे इसरो के विषय में, ठीक बात है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट गीता के विषय में, खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, नए नए कंटेंट आपको करेंट में जुड़ते रहते हैं। तो यहाँ कह रहा है प्रोजेक्ट गीता जो है ये आपका कब स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट गीता ये 17 सितंबर 2022 को स्टार्ट किया गया, ये आपको मैं कह रहा हूँ UPSC UPPCS या RO के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, मुझे अनुमान है इसके विषय में। अब पहली बार एक कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था, तो नामीबिया से लाए गए थे, कितने अफ्रीकी चीते, 8 अफ्रीकी, जिसमें 5 मादा और 3 नर। आरओ या UPPCS में कूट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने लाए गए थे, ऐसे करके, समझ रहे हैं ना, ध्यान करे रहिएगा। अब कहाँ पर इसको रखा गया, तो मध्य प्रदेश का जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान था उसमें इनको लाया गया। साथ ही साथ एक मादा की बात कर रहा था शाशा, जिसकी मौत हो गई थी। बात करें इसके विषय में, तो इसकी जो निगरानी करेगी वो कितने सदस्यों वाली कमेटी, तो 9 सदस्यों वाली एक कार्यबल की 2 वर्षीय स्तर की कमेटी इसको करेगी, यानी 2-2 साल के लिए बनेगी। बात करते हैं भारत का जो योजना है वो अगले 5 साल में 50 चीतों को भारत लाने की एक प्रकार की योजना है, ठीक बात है ना। तो आप समझ गए कि सर ये प्रोजेक्ट चीता जो हो गया, ये प्रोजेक्ट चीता जो है स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, तो यानी अफ्रीका में नामीबिया से लाए गए कितने, 5-3-8 चीते लाए गए थे, और रखा गया MP के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, और आप कहेंगे अगला टारगेट है 5 वर्षों में अगले 50 चीतों को भारत लाने का, ठीक बात है ना, जिसमें से शाशा की मौत हो गई थी। आगे बात करते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका और हो गया, एक है बाघ रिपोर्ट के विषय में। बाघ रिपोर्ट आप जानते रहिए यहाँ पर, ये 2022 की बाघ रिपोर्ट है, ये 2023 में जारी हुई, और किसके द्वारा, वन्य जीव संस्थान जो भारत वाला है इसके द्वारा। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है वन्य जीव संस्थान भारत का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है ना। बात करते हैं आगे, इसने कहा भारत में जो जी कुल बाघ हो रहे हैं तो वो कुल मिलाकर 36-82 हो रहे हैं,
साथ ही साथ जो पिछली बार रिपोर्ट आई थी उसमें 3167 रिपोर्ट बताई गई थी कि बाघों की संख्या है, जबकि अब की बार बढ़ गई कितनी, अब की बार बढ़ी है, यानी अब की बार ये बढ़ रही है कुल मिलाकर 3682 हो जा रही है। बात करें भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किसके पास है, तो आपको पता है मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। यानी 2018 से जो 2022 है, यानी 4 साल की रिपोर्ट जारी होती है, तो 2018 से 22 के बीच में भारत में बाघों की जो रिपोर्ट है, बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई, 24.1। मैंने फिर कहा RO UPPCS या UPP कोई सा भी एग्जाम, यानी आप अपर का देखेंगे तो वहाँ पर कूट में दे देगा, कई क्वेश्चन एक बार में ही दे देगा, और आप अगर UPP या बेसिक एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ही देगा, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है कि बताइए बाघों की संख्या भारतीय वन्य जीव संस्थान के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से 2018 से 22 के बीच में बाघों की संख्या में कितना विस्तार हुआ, तो आप जानिएगा 24.1% का। बात करता है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पर ही कह रहा है कि देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान में बाघ हैं तो 260 बाघ हैं जिम कार्बेट, जो कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। बिहार में कह रहा था 2018 में थे 31, लेकिन 2022 में रिपोर्ट में कहा गया 54 हो गया, सोचिए यहाँ भी परिवर्तन हुआ। आगे बात करते हैं भारत की, एक पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने रिपोर्ट जो जारी की थी कुछ दिन पहले, उसने कहा था कि भारत में जो बाघ हैं वो 39.25 बाघ हो चुके हैं, वहीं वार्षिक वृद्धि दर जो भारत में हुई वो 6.1। अब आप सोचिए, यहाँ पर सोचिए कि भारत में जो बाघों की रिपोर्ट है वो दो प्रकार के संस्थान जारी करते हैं, पहला संस्थान कौन सा हो गया, पहला संस्थान हो गया सर भारतीय वन्य जीव संस्थान, और दूसरा पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन का मंत्रालय। आपने क्या कहा, आपने कहा जो वन्य जीव संस्थान है वो हर 4 साल पर रिपोर्ट जारी करता है। याद होगा इससे पहले 2022 में जो रिपोर्ट आई 18 में आई थी, उसमें बताया गया था कि केवल 3167 बाघ भारत में हैं, लेकिन अब की बार कह दिया गया, अब की बार रिपोर्ट में दिखा गया कि 3682, यानी 3682 बाघ वर्तमान समय भारत में हैं। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश के पास हैं, जबकि देश का 75 विश्व का 75% भी कह सकते हैं। वहीं बात करें किसी राष्ट्रीय उद्यान में तो 260 राष्ट्रीय उद्यान, 18 से 22 के बीच में तो 24.1% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, ध्यान करे रहिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप देखिए यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं जैसे तूफानों और चक्रवातों के विषय में, यानी कि कौन सा तूफान हर बार पूछ लिया जाता है, तूफान और साथ ही साथ में उनको उनके साथ में उनको रिलेट करके, यानी किस देश में उनका नामकरण दिया और कहाँ पर इनका प्रभाव दिया गया, ठीक बात है ना। तो इसको आज के सेशन में हम चर्चा नहीं करेंगे, इसके बाद में कुछ सुपर कंप्यूटर हैं, चाहे देश का हो चाहे विश्व का हो, ये भी आप ध्यान करे रहिएगा, यहाँ याद करे रहिएगा, विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो अमेरिका का है, जबकि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर CDEC पुणे के द्वारा बनाया गया एरावत है। आप जान गए फुगाकू कहाँ का, जापान का, लूमी कहाँ का, फिनलैंड का, जबकि फ्रंटियर कहाँ का, अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। भारत में परम सिद्धि, प्रत्यूष, ये दोनों आपको सेकंड और थर्ड पोजीशन पे मिलते हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया, या फिर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा, ठीक बात है। इसके आगे है वन स्थिति रिपोर्ट, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी मैं फिर साथियों आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको जीने की चाह है तो दीवार में भी आप फूल खिल सकते हैं। कहने का अर्थ है इस पुष्प को आप देख सकते हैं कि मैंने फोटो इसका लिया, कैसे क्या है, दीवार का एक कोना है जहाँ पर ना तो मिट्टी की व्यवस्था सही है ना तो पानी की व्यवस्था है, लेकिन इसके उगने की चाह ही बता रही है कि दीवार में अगर जीवन जीने की अगर चाह हो तो दीवार में भी फूल खेल सकते हैं। साथियों मैं कह रहा हूँ YouTube पे आप जाइएगा, डालिएगा त्रिपाठी सर GS अयोध्या YouTube चैनल, और इस पर आप देखेंगे तो ऐसे अपनी पोजीशन मिल जाएगी। आप सबको बधाई, अपने चैनल पर 1600 सब्सक्राइबर की संख्या, यानी 1600 सदस्यों की संख्या पार हो चुकी है, 1600 अपने परिवार में सदस्य हो चुके हैं, लगभग 1610 हो चुके हैं, और नई यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। आप सभी साथी नए साथियों को बताइए जो भी अपनी तैयारी को सकारात्मक बनाना चाहते हो। बाकी आज के लिए आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये सारे वीडियो आपको देख रहे हैं, ये लगातार सुबह 11 बजे इतिहास, 3 बजे भूगोल, 4 बजे आप देखेंगे तो विज्ञान, 5 बजे देखेंगे तो अर्थशास्त्र, 7 बजे देखेंगे तो राज्य व्यवस्था, 9 बजे देखेंगे तो आपको फुल सिलेबस का आपको क्या होगा, यानी फुल प्रीवियस ईयर का टेस्ट हो जाएगा। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं 11 बजे के सेशन में, तब तक आप लोग क्या करिए, इंतज़ार करिए।